छोटी सीख वाली कहानी। स्कूल मास्टर राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसे से एक बाइक खरीद ली ताकि और उसे पैदल स्कूल न जाना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक भी दिन न हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पे बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपना घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर नोखिला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दिया। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपने किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार ये कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पे एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी को खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास की गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे ये कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है।